देखिए दोस्तों, आज हम जो पढ़ने वाले अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार सब के बारे में पढ़ेंगे, ITU। जैसा कि आप जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार, इसका मतलब ये है कि हमें आदान प्रदान संचार होना चाहिए और ये जन जन में होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? जन जन में। तो ये अंतर्राष्ट्रीय संचार जनेवा में है, ये स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। इसी तरह से हम आगे देखें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा कि सार्वभौम डाक संघ, अर्थात सभी जगह डाकिया पहुँचे। इसका मतलब धूप में भी, सूर्य की किरणों में भी बेचारा डाकिया घूमता है, जिससे उसका चेहरा बर्न हो जाता है। बर्न मतलब थोड़ा सा जल जाता है, यानी वो बर्न में है। बर्न कहाँ? स्विट्जरलैंड में है। इस तरह ये डाकिया है, आप जैसे देख पा रहे हैं। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो जैसे आप देख, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना 11 अप्रैल 1919 में, 7वां वर्ष है इसका। और साथ ही साथ मैं एक बात और बता दूँ कि ये भी जन जन लोगों के लेबर के हिसाब से, इसलिए जन जन लोगों को पहुँचाने में जनेवा में है। इसका मुख्यालय कहाँ? जनेवा में। इसका मुख्य उद्देश्य है श्रमिकों की स्थिति में सुधार, उनके जीवन स्तर को उन्नत करना, ठीक है। सही। नेक्स्ट अगर हम और बात करें तो जैसा आप देख पा रहे हैं, विश्व पर्यटन संगठन WTO, इसकी स्थापना 1925 में हुई। विश्व पर्यटन संगठन WTO, इसकी स्थापना 1925 में हुई। इसका मुख्यालय जो है स्पेन है, स्पेन। तो देखिए, ये स्पेन है, यहाँ घूमने जरूर जाइए। मैड्रिड में है, देख पा रहे हो, एक लड़का मैड्रिड जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है पर्यटन के माध्यम से, जैसे आप लड़का देख रहे हो पर्यटक कर रहा है, आर्थिक वृद्धि और रोजगार पैदा करना, ठीक है। इसी तरह से आगे देखें, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त एवं राष्ट्र खाद्य कृषि एवं संगठन। अब देखिए बेटा, कृषि संगठन की बात है तो कृषि 16 अप्रैल 1945 इसकी स्थापना हुई है। अब क्या हुआ? जब पानी गिरेगा, पानी की वर्षा की बूंदें जब धरती पे पड़ेंगी ना, तब जाके संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन से हमें रोम प्रफुल्लित होंगे। कौन? किसके? किसान के जो शरीर है या जो खुशी है वो रोम में समा जाएगा। ये जो इटली में है, तो ऐसे याद करो, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन रोम यानी इटली में है। और जब इटली में, तो इसके साथ साथ इसमें एक चीज़ और आपको आ जाएगा, विश्व बैंक। तो विश्व बैंक की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो विश्व बैंक की अगर हम देखें तो आप देख पा रहे हैं विश्व बैंक ये है 1945 में आया। और विश्व बैंक की अगर हम बात करें तो ये जो है, देखो, डॉलर पैसा से समझिए, वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका, जो डॉलर है पैसा है भैया विश्व बैंक में। उत्पादन विकास योजना के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजी के विनिमय को प्रोत्साहन करना इसका मेन उद्देश्य है, ठीक है।